बेटा हम दोनों आज कहाँ जा रहा हूँ? नमसाय जाने के लिए निकल रहा हूँ ना बेटा, हम दोनों नमसाय जाएगा अभी, उसके बाद कहाँ कहाँ पहुँचेगा हम दोनों ना बेटा, ये हम लोग का आंगन का नज़ारा है ना, ये हम लोग का आंगन का नज़ारा। बेटा हम दोनों नमसाय पहुँचेगा, क्या क्या देखने मिलेगा बेटा हम दोनों ना, ये है हमारा छोटा सा नन्ना सा चांगर है ना। तो सो हम दोनों चलेंगे अभी नामसाय, चुन चुन हो गया ना बेटा। मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ऑटो सर्विसिंग, ऑटो कैसे सर्विसिंग करता है, कैसे क्या क्या खुलता है, ये दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे बढ़िया से खुल रहा है, ये मोबाइल फिल्टर को खुल रहा है अभी, मोबाइल फिल्टर खुल के ऐसा कूलर चाहिए, मोबाइल फिल्टर कूलर है ये। तो ये बनाने वाला हम लोग का सर जी बहुत बढ़िया से बनाने आता है, अगर आप लोग ऑटो सर्विसिंग करना चाहता है तो इधर पे आ सकते हैं, ये नामसाय इंजीनियरली का सामने में है, ये जयपुर रोड क्या बोलता है ये का, ये तो पाकाम तीनियाली रोड है ना, तो इधर पे है। तो आप लोग जो जो ये करना चाहते हो, गाड़ी वाड़ी बनाने चाहते हो, ये टुक टुकी भी बनाता है ये सर जी, इतना बनाने आता है मैकेनिक, बढ़िया से आता है बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा कैसा सिस्टम से ये करता है, कैसा बनाता है। ये खुल के रखा है इधर चक्का भी, ये ब्रेक सो खत्म हो गया इसलिए चक्का बना रहा हूँ। और ये हम लोग का मोबिल, मोबिल गिरा है ना, मोबिल गिरा है मीन्स गिरा दिया, और सर्विसिंग है तो ये पुराना वाला मोबिल को फेंक दे रहा हूँ। ये देखिए ये मोबिल फिल्टर इस इतना काला काला हो गया ना, तेल से बर्बाद हो गया, काला काला पानी पानी हो गया ना, एकदम बर्बाद हो चुका है, बहुत सारा निकला है, 3 लीटर जैसा होगा तेल। ऑटो का इंजन आप लोग को दिखाऊंगा, ये सिस्टम से है ऑटो का इंजन, देखिए ये सब बढ़िया सिस्टम है। ये पेक रहा है मोबिल, ये होता है मोबिल फिल्टर, इसको खुल दिया अभी, इसको नया लगाएगा, तो नया कैसे लगाता है इसको भी दिखाऊंगा। तो आप लोग खुद ही सर्विसिंग कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। वो है गियर डिबी, तो इस तरह से है ये मोबिल, जहाँ में मोबिल फिल्टर रहता है उसके सामने में गियर डिबी भी रहता है। ये टोटल इंजन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे गियर डिबी, ये देखिए इसमें ये कभी दिन गियर टूट जाता है, ये रस्सी, गियर का रस्सी, और ये बोलता है इसको क्या बोलता है, इसको स्टैंड गन ना, तो यहाँ पे एक तो स्टैंड गन है, स्टैंड गन बोलता है इसको, तो गन की तरह होता है इसलिए स्टैंड गन बोलता है। तो ये है आपका क्लास रहने का जगह, यहाँ पे क्लास रहता है, और ये है क्लास तानने का रस्सी, और ये बैक गियर, ये है बैक गियर का केबल, ये है बैक गियर का केबल, ये है बैक गियर। तो ये होता है हम लोग का गियर ऑयल डालने का जगह, तो आप लोग को खुल मिला के, और ये होता है हम लोग का इंजन ऑयल डालने का जगह, तो सबको ही दिखा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छा से देखिए, आप लोग अगर ऑटो कभी दिन ये लेना ले रहा है वो तो सर्विसिंग करने के लिए, तो ये थोड़ा सा देखना है, तब आप खुद भी सर्विसिंग करवा सकता है। तो ये देखिए आपका ये डीजल फिल्टर होता है, ये डीजल फिल्टर को आप खुद खुल करके, यहाँ पे नट है, ये नट को खुल के उसके बाद ये नीचे खुद बखुद गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा धीरे धीरे, तो उसके बाद इसको ये नट को उठा के उसके बाद ये कर देना है। तो इसमें कागज़ जैसा है फिल्टर, तो वो फिल्टर को चेंज करके अब फिर लगा दो, बस बढ़िया हो गया। तो उसके बाद और ये मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे वो डीजल फिल्टर कनेक्शन होता है, यहाँ पे है आपका पम्प नजल, ये क्या बोलता है पिट पम्प,
इसको बोलता है पिट पंप। ये है पिट पंप। तो और मैं दिखाऊंगा आपका ये सैलेंजर पाइप। ये होता है ओवरफ्लो पाइप। कभी दिन आपका ऑटो स्टार्ट नहीं होता है तब ये नोट को थोड़ा सा खुल देना है। खुल के उसके बाद ये होता है आपका पिट पंप। मारने से इधर से ये तेल निकल जाएगा, हवा निकल जाएगी। तो उसके बाद तो आराम से आप ये कर सकते हैं। खुद ब खुद आप ये इंजन को, छोटा सा इंजन है, इसको खुद ब खुद आप ये कर सकते हैं, सर्विसिंग करवा सकते हैं। ये है आपका एलिवेरिंग, इधर पे रहता है इसका, ये जगह पे एलिवेरिंग है। तो इसको निकल सकता है, इसको निकल के फेंक देना है नया, फिर लगा देना है। ये है नट, ये नट को खुलने से ऑटोमेटिकली ये अपने आप गिर के आ जाता है। तो इंजन का अंदर ये ऐसा है, तो देख लीजिए ये इंजन का अंदर है, तो किस तरह से है देखिए, बढ़िया सा ये इंजन का अंदर है। तो आपको इंजन का अंदर भी दिखा दे रहा हूँ ये किस सिस्टम में रहता है। ये इतना बढ़िया सा अंदर है ये इंजन का अंदर। तो लोगों को मैं सब दिखा दिया हूँ। और ये देखिए आपका एक ये चंबर गस्केट होता है, इधर पे खोल के रखा हुआ है। तो ये खोलने का साथ साथ वो अंडर का नज़ारा दिखाई देता है। इसको अच्छा से धुलाई करके, डीजल से अच्छा से धो करके, उसके बाद चंबर गस्केट फिटिंग करके, अंदर में चंबर गस्केट होता है इसका, गस्केट लगा करके अंदर में आराम से डाल सकता है, बढ़िया से बनाता है। सो ये मेरा ब्रेक का ये भी ऑयल भी फट गया था, ये ब्रेक पेट, तो ब्रेक पेट को चेंज करेगा।